इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में, और उस अस्पताल के वस्त्र भंडार का जो कक्ष है मैं वहाँ पर आज आपको लेकर चल रहा हूँ। और चिकित्सा मंत्री और राजस्थान सरकार को ये तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तस्वीर अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की है। ये देखिए वस्त्र भंडार का कक्ष है, और जिसमें मैं मेरे सहयोगी कहूँगा नीचे दिखाए कि पांव पूरे डूब रहे हैं, पंजे जो हैं वो डूब चुके हैं। और यहाँ पर इस वक्त 4 कर्मचारी हैं अस्पताल के जो काम कर रहे हैं। मरीजों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर आने वाले किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये वस्त्र भंडार है। और इस वस्त्र भंडार में उनके लिए, उन मरीजों के लिए यहाँ पर ये 4 कर्मचारी दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए पानी में बैठे हुए हैं। इनके पांव देख लीजिए आप, पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर रखी हैं कि पांव को ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो प्रदेश अजमेर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, और उसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ से मैं कहूँगा मेरे सहयोगी राजवीर आपको चारों तरफ से तस्वीरें दिखाएंगे। ये अंदर का एक और कमरा है जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, जहाँ पर एक मोटर लगी हुई है जिससे शायद ऐसा लग रहा है कि पानी बाहर निकालने की एक कोशिश की जा रही है। तस्वीर देखिए अंदर वस्त्र भंडार है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का, और अंदर का जो कमरा है वहाँ पर पानी तो इससे भी दुगना है। अंदर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, तो आप अंदर देख लीजिए तस्वीरें, सामान पूरा रखा हुआ है और किस तरीके से पानी में, ये हालात जेएलएन अस्पताल के नज़र आते हैं। बेहद शर्मनाक तस्वीर है, सरकारों को देखना चाहिए। सरकारें बदल चुकी हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, हंगामे की उम्मीद भी हो सकती है। विपक्ष के नेताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे पहले उनकी भी सरकारें रही, और अब बीजेपी के विधायक अजमेर में हैं लेकिन सत्ताधारी दल कांग्रेस का है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं, अजमेर संभाग से आते हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत शर्मनाक करने वाली है। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर मरीज किस तरीके से पानी में डूबकर आ रहे हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, जहां मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि हिंदुस्तान स्वच्छ हो, लेकिन स्वच्छता अभियान की ये तस्वीरें देखिए जेएलएन अस्पताल के बाहर, किस तरीके से संक्रमण को फैलाने वाली जो पदार्थें, जो कचरा है, वो इस वक्त यहाँ है। उस अब मैं आपको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सेंटर में जो एक मैदान बना हुआ है, वो मैदान की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पानी कितने दिन से है, ये इसका कलर, इसका रंग आपको दिखा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, CMHO पर सवाल खड़े उठते हैं, चिकित्सा मंत्री पर सवाल खड़े होते हैं। गंदगी का आलम देखिए आप, कचरा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर फैलाया जाता है। और ये अस्पताल है संभाग का सबसे बड़ा, पानी का रंग देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पानी यहाँ पर कितने दिन से यहाँ पर मौजूद होगा। कुछ ग्रामीण इस वक्त हैं जो यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के लिए आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबू जी ये बताइए, अस्पताल आप जाके आए, अंदर व्यवस्थाएं पानी की कैसी क्या है? बहुत ख़राब, पेशेंट को निकलने नहीं दे रहा है, पानी भरा हॉस्पिटल के अंदर, पानी भरा हुआ है, बोल पानी भरा, निकल नहीं सकते पेशेंट उससे। अच्छा, अच्छा डॉक्टर समय पे मिल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? लगी हुई डॉक्टर लगी हुई है। चलिए मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ, जहाँ पर ये मैंने बाहर की आपको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाई है, जो मैदान केंद्र में मौजूद है। अब मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको जेएलएन अस्पताल की तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ से मरीज जो यहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। ये कॉरिडोर देखिए आप, मैं इस वक्त 119 नंबर जो कमरा है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये पूरा कॉरिडोर देखिए आप, ये पूरा कॉरिडोर किस तरीके से गंदगी का आलम यहाँ पर मौजूद है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आगे आपको लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पानी हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, और आगे की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से पत्थर ज़रूर रखे गए हैं पानी को, लेकिन पानी के निकालने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। रूम नंबर 120, 119 और 118 की लेन में हूँ मैं, दिखाऊंगा मरीज जो यहाँ पर, परिजन और मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए आप, वो किस तरीके से उनको यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि आलम क्या है संभाग के सबसे बड़े चिकित्सा अस्पताल का, यानी कि जिन मंत्रियों की, जिन विधायकों की, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ की व्यवस्थाओं की होनी चाहिए, वो व्यवस्थाओं का आलम देखिए। ये एक ग्रामीण है, दुख पा रहा है, मैं किसान आदमी हूँ, मैं दुख पा रहा हूँ, डिप्रेशन ही पा रहा हूँ। कोई मांग सरकार से, अधिकारियों से, बस मंत्री बनवा दो भैया, बोर्ड लिया, बस काम हो गया उनका, बस
पब्लिक बारा पढ़ो, पाँच साल बाद फसा जोड़ ली महीना पहली साहब मांगो ध्यान रखो ध्यान रखो ठीक है। बारह मई बारह बदली टेम बाकी कदम पड़ गया खड़ी पड़ गया बान माचर खा रहे यार कोई व्यवस्था ही कौन कर रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। आप देखो गंदगी आपको साफ सुथरा नजर आया अस्पताल? देखो ना कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ग्रामीण है जिनसे हम बातचीत जो हमें मिलते जा रहे हैं उनसे हम बातचीत कराते आपको जा रहे हैं। चौथी तस्वीर में जेलेन अस्पताल की आपको दिखाता हूँ, गंदगी का आलम मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। क्या व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर चल रही हैं वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनों के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मानसून शुरू हो गया है, मानसून का सत्र भी है, विधानसभा चल रही है, और विधानसभा जब चल रही है तो ये तस्वीर सरकार तक पहुँचनी चाहिए और सरकार मुख्यमंत्री तक पहुँचनी चाहिए, चिकित्सा मंत्री को इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके संभाग से, उनके गृह क्षेत्र से जो अस्पताल सबसे बड़ा है संभाग का, वहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त, वहाँ पर सुविधाओं की क्या हालात हैं। जिन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिन अधिकारियों को इन सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए था, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए भीड़ का आलम, क्योंकि मेडिकल OPD है, 39 नंबर कमरे के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से कि कितनी भीड़ है। बाहर की तस्वीर जो तीन तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उन तस्वीरों में हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से ये अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल में पानी किस तरीके से है, अस्पताल में कचरा किस तरीके से बिखरा हुआ है, लंबी लंबी लाइन है। उन लंबी लाइनों के बीच में चलूंगा और उनसे पूछूंगा कि कितनी वक्त की देरी उनको यहाँ पर खड़े खड़े हुई है। माता जी कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हो? डेढ़ घंटा से ही खड़े हो। अच्छा अस्पताल में कुछ सुविधाएं व्यवस्थाएं आपको सही लगी ही नहीं लगी? मन बताओगे ना सही, मन कोई सही नहीं लगी। नहीं लगी? ये डेढ़ घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और ये नौजवान साथी भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे कितने देर से यहाँ पे खड़े हो? आधा घंटा हो गया। क्या कराना है? जाँच करवाना। जाँच? अच्छा अस्पताल में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो पूरा गंदगी पानी इसकी व्यवस्थाओं से खुश हो गया आप? नहीं नहीं, सुधारनी चाहिए सरकारों को। सही, सुधारनी चाहिए। हाँ भाऊ जी, स्ट्रेचर नहीं है, आधे घंटे से हम डोलते फिर कहीं बाहर बोले बाहर है नहीं, कहीं भी स्ट्रेचर नहीं रखे थे, स्ट्रेचर है। अच्छा स्ट्रेचर ही नहीं है अस्पताल में? कैसे लेके जाओ मरीज पड़ा, ये देख लो आप, बताओ मेरे को कहाँ पर ढूंढ के दे स्ट्रेचर, बताओ कहाँ पर स्ट्रेचर है। दिखा रहे हैं स्ट्रेचर की यहाँ पर जरूरत है लेकिन स्ट्रेचर यहाँ पर नहीं है। कितनी देर हो गई भाऊ जी आप? मेरे को एक घंटा हो गया। एक घंटे से आप यहाँ खड़े हैं? खड़े है ही नहीं, बाहर है, बाहर ढूंढे तो है नहीं, अंदर है तो कहाँ ढूंढे, आप बताओ मेरे को ढूंढ के, बताओ स्ट्रेचर कहाँ है, आप कोई बताओ, यहाँ खड़ा है मैं बजा कर लेके आता हूँ। स्ट्रेचर बहुत सीमित है, पैरालाइज और का है उसको मैं ले जाऊँ तो कैसे ले जाऊँ सीटी स्कैन करवाने के लिए उनको? अच्छा मैं सुविधाओं से नाखुश है आप? नाखुश है, बिल्कुल नाखुश है। क्योंकि मंत्रियों से सरकार से कोई उम्मीद है आपको? कुछ भी उम्मीद नहीं, उम्मीद होती तो रखते थे सर, कब से मरीज के लिए साधन तो रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो अब लंबी लंबी लाइन के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ लोगों से बातचीत करके आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये इसलिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चिकित्सा मंत्री जिस जिले से आते हैं उस जिले के अस्पताल की व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, जो सुविधाएं उनको यहाँ पर मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ के मरीजों को मिल नहीं रही है, अजमेर वासियों को मिल नहीं रही है। ग्रामीणों से जब बात करते हैं तो ग्रामीणों का साफ तौर पर एक ही कहना होता है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है, जब वोट मांगना होता है तब नेताओं को अपने वोट बैंक की याद आ जाती है, मरीज की याद आ जाती है। और एक तस्वीर और आपको याद होगी कि जब जब मंत्रियों का दौरा अस्पतालों में होता है तो अस्पताल की व्यवस्थाएं उस दिन के लिए ठीक ठाक कर दी जाती है। खैर इस तस्वीर को देखने के बाद, दिखाने के बाद सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक क्या कहते हैं ये अब आप सुनिए। अभी जब बरसात पड़ी 2-3 दिन पहले तो उसका एक तो हमारा अस्पताल आना सागर के नज़दीक होने से वाटर लेवल हमारा ज़्यादा है, थोड़ी भी बरसात पड़ती है हमारी कुछ जगह जो अब क्योंकि बिल्डिंग हमारी पुरानी है तो उसमें हमें कुछ एक जगह ऐसी होगी जो हमारी थोड़ी सी नीचे स्तर पर रह गई हैं जिनमें पानी भरने की समस्या आती है। PW के एक्सियन साहब को कल बुला के हमने सारी चीज़ें समझा दी, उनको दिखवा भी दिया है और वो अब इसको देख कर इसको दुरुस्त कराएंगे। बजट डेडिकेटेड अकेला इन चीज़ों के लिए नहीं, कॉलेज से पूरे हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के लिए कुछ बजट PW को ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें से ही वो ये सारा काम अब कराएंगे। इसी के लिए हमने तुरंत ही कल ही XCN PW को बुला के सारी चीज़ें दिखा दी थी और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको दुरुस्त करेंगे। हमारे समस्त आउटडोर्स के बाहर जो भी परिसर है सब जगह हमने ट्रॉली और व्हील चेयर की
पूरा इंतजाम है। वहाँ के नर्सिंग इंचार्जेस को हमने सफिशेंट मात्रा में व्हीलचेयर और ट्रॉलीज दे रखी हैं और उनको निर्देशन भी है कि उनको पूरी तरह से यूज़ करें जिससे वो पेशेंट के काम में आए।